नमस्कार, स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान। देख रहे हैं आपके साथ हूं मैं लवीना राज। चलिए अब आपको चार वो बड़ी खबरें कौन सी है ये बता देते हैं जिन पर आज पूरे दिन जी हिंदुस्तान की नजर रहने वाली है। सबसे पहले बड़ी खबर पहले जान लीजिए। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां ब्राह्मणों के बाद मायावती ने ठाकुरों को अपने पाले में बना करने की रणनीति यहां से बना ली है। क्या है बीएसपी की ठाकुरों के लिए पॉलिसी और क्या है जाति कार्ड से पांचवी बार मायावती का मुख्यमंत्री बनने का सपना, क्या यहां से पूरा हो पाएगा, ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर जान लीजिए। आज की दूसरी खबर भी यूपी की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाटलैंड में जीत का फॉर्मूला तय किया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे लागू करने के लिए आज आगरा में अभियान की शुरुआत करेंगे। इस खबर पर भी आज पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। तीसरी बड़ी खबर भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में योगी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में जींस टी शर्ट पर स्ट्राइक कर दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। क्या है ये ड्रेस कोड और इसे तोड़ने वालों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन होगा, आज दिन में इस पूरी खबर को हम आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी खबर भी आप जान लीजिए। ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर नोटों की बारिश जारी है। अब तक उन्हें करीब 10 करोड़ का कैश देने का ऐलान हो चुका है। नीरज के गांव और घर से दिन भर हम जश्न की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भी आपको दिखाते रहेंगे। ये चार बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन जी हिंदुस्तान की नजर रहेगी, लेकिन अभी सुपर स्पीड 100 देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। जावलिन थ्रो में नीरज ने जीता गोल्ड मेडल। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल को किया मिल्खा सिंह को समर्पित। कहा, मेडल जीतना मेरा सपना और जुनून था, कुछ बड़ा करने के इरादे से उतरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर की बात। पीएम ने नीरज को बधाई दी। कहा, आपकी मेहनत रंग लाई, पानीपत के लाल ने पानी पिला दिया। पीएम मोदी ने की नीरज की मेहनत और दृढ़ संकल्प की तारीफ। कहा, आपसे युवा पीढ़ी प्रेरित होगी। नीरज के गोल्ड जीतने पर पूरे देश में जश्न का माहौल। एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। बेटे के गोल्ड जीतने पर पिता ने जाहिर की खुशी। नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सुबेदार नीरज चोपड़ा ने किया शानदार प्रदर्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी नीरज चोपड़ा को बधाई। कहा, हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, हरियाणा के छोरे ने कमाल कर दिया। जैवलिन में नीरज के शानदार प्रदर्शन के बाद हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने किया डांस। नीरज के गोल्ड जीतने पर खास अंदाज में जाहिर की खुशी। भारत के गोल्ड वीर नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीरज को दी बधाई। कहा, जय हो। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर हुई धन वर्षा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर 6 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। मिलेगी क्लास 1 की सरकारी नौकरी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी नीरज की जीत का मनाया जश्न। नीरज को इनाम के तौर पर 2 करोड़ रुपए देगी पंजाब सरकार। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करेगी बीसीसीआई। नीरज को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, बाकी खिलाड़ियों को 50 और 25 लाख देने का ऐलान। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ देने का किया ऐलान। 8758 नंबर की स्पेशल जर्सी भी बनाएगी सीएसके। नीरज चोपड़ा को पैसों के अलावा इंडिगो ने भी दिया खास तोहफा। कंपनी की तरफ से पूरे 1 साल के लिए फ्री टिकट का ऐलान। नीरज चोपड़ा को महिंद्रा एक्सयूवी 700 गिफ्ट करेंगे आनंद महिंद्रा। ट्वीट कर खुद दी जानकारी। कंपनी के डायरेक्टर को टैग करते हुए लिखा, कृपया उनके लिए एक एक्सयूवी 700 तैयार रखें। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर दिल्ली में राजपुताना राइफल्स के जवानों ने मनाया जश्न। भारत माता की जय के नारों के साथ किया खुशी का इजहार। नीरज के शानदार प्रदर्शन पर जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों ने भी खुशी जाहिर की। भारत माता की जय के नारे लगाए गए। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते कुल 7 मेडल। ओलंपिक्स में अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन। ओलंपिक में कुश्ती में पहलवान बजरंग पुनिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हरा दिया। बजरंग पुनिया को पीएम मोदी ने दी बधाई। फोन कर प्रधानमंत्री ने बजरंग पुनिया से की बात। कांस्य पदक जीतने पर दी शुभकामनाएं। बजरंग पुनिया के घर पर जश्न का माहौल। लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। पुनिया के पिता ने भी जाहिर की खुशी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बजरंग पुनिया को दी बधाई। पहलवान बजरंग पुनिया को हरियाणा सरकार देगी 2.5 करोड़ रुपए। टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को सीएम शिवराज का तोहफा। टीम की सभी खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उत्तराखंड के सीएम ने महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से की बात। टोक्यो ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन पर दी बधाई। पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। नीरज चोपड़ा की गोल्डन जीत पर भी कांग्रेस के सांसद चिदम्बरम ने ट्वीट में लिखा, अगले ओलंपिक के लिए सरकार अभी से पैसा करे जारी। सेंट्रल विस्टा और बुलेट ट्रेन कर सकते हैं इंतजार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के आगरा में भरेंगे हुंकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे नड्डा। कई संगठनात्मक बैठकों के जरिए पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी करेंगे नड्डा।
आगरा में कोरोना वॉरियर्स को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जाएगा कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन। मिशन 2022 के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी की कवायद लगातार जारी। लखनऊ में यूपी बीजेपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की बैठक हुई। यूपी के वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल, कहा बलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए लट तैयार कर रहे हैं उनके समर्थक। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, जरूरत पड़ने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को लठ से पीटा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर का पीएम मोदी पर तंज, कहा उन्हें नहीं मिल रहा कोई दाढ़ी कटवाने वाला, इसलिए उनकी दाढ़ी लंबी हो गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जातीय समीकरण मजबूत करने में जुटी मायावती की बीएसपी, अब मंडल स्तर पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करेगी बीएसपी। यूपी में बीएसपी प्रबुद्ध समाज मंडल संयोजक नाम से टीम बनाएंगी मायावती, ब्राह्मण ठाकुर के साथ उच्च जाति के लोग होंगे शामिल। यूपी में मंडल संयोजक बीएसपी के सेक्टर प्रभारी की तर्ज पर करेगा काम, इनका मकसद बीएसपी के लिए बूथ स्तर पर जमीन तैयार करना होगा। यूपी में बीएसपी 16 से 26 अगस्त तक करेगी प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी सम्मेलन, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी गई जिम्मेदारी। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत चौधरी का बड़ा बयान, 2022 में सीएम पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट पहले सस्पेंड फिर रिकवर और बाद में लॉक, कांग्रेस पार्टी ने कहा ट्विटर अकाउंट बहाल करने की प्रक्रिया जारी। पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा को मिलेगी कैबिनेट रैंक मंत्री की सभी सुविधा, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने आदेश पारित कर निर्देश दिया। एलएसी पर बड़ी भारत की ताकत, लद्दाख के न्योमा में सीमा की रक्षा के लिए भारतीय सेना अब अमेरिकी राइफल सिक्स सॉयर 716 का भी करेगी इस्तेमाल। भारतीय सेना अमेरिकी पिस्टल स्विस एमपी 9 का भी इस्तेमाल कर सकेगी। एलएसी पर चीन की करतूतों को देखते हुए बढ़ाई जा रही है सेना की ताकतें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, हमले में पुलिस का जवान शहीद, इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, संदिग्ध अलकायदा आतंकियों के पोस्टर जारी, दिल्ली में अलग अलग जगह लगाए गए पोस्टर्स। दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे वीकली बाजार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा हमें गरीबों की चिंता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत यहां पर दी, बाजार में लोगों का मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। सीएम गहलोत ने राजस्थान में की कोरोना के हालातों की समीक्षा, 50% अटेंडेंस के साथ खोले जा सकते हैं स्कूल। कर्नाटक में कोरोना के मद्देनजर 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू बरकरार, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, किसी भी तरह से सोशल गैदरिंग पर रोक होगी। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए 18 अगस्त से शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट, कोरोना की वजह से बंद की गई थी फ्लाइट। देश को पहली सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन मिली, जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी मिली। बिहार के बांका समेत कई जिलों में गिरी आकाशीय बिजली, बांका में 4 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल, कई जानवर भी झुलसे। उत्तराखंड के काठगोदाम में उफान पर तरसिया नाला, पानी का तेज बहाव देख लोगों में भय का माहौल, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक होटल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, प्रशासन ने पहले ही खाली करवा लिया था होटल। चमोली के नंदप्रयाग में नदी किनारे फंसी गाय को एनडीआरएफ के जवानों ने बचाया, ग्रामीणों ने गाय के रेस्क्यू के लिए प्रशासन से मांगी थी मदद। राजस्थान के टोंक में बरसाती नाले में वही ट्रैक्टर ट्रॉली, इस दौरान 4 लोग बहे, 2 युवकों ने छलांग लगाकर बचाई जान। मध्य प्रदेश में बाढ़ के बाद बीमारियों को लेकर सतर्क सरकार, सीएम शिवराज ने दिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश। एमपी के राजगढ़ के मोहनपुरा डैम के पास सामने आई लापरवाही की तस्वीरें, उफनती लहरों के बीच मछली पकड़ते नजर आए मछुआरे, प्रशासन के अलर्ट के बाद भी नहीं मान रहे लोग। बिहार के पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, 2 घंटे में गंगा के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ोतरी। यूपी के सहारनपुर में एसपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मंडल कमीशन की 7 सिफारिशों को लागू करने के लिए सौंपा। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए रायबरेली में एसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंपा गया। यूपी में जींस टी शर्ट और चप्पल में नहीं नजर आएंगे सरकारी कर्मचारी, रैंकिंग खराब होने पर थमाया जाएगा नोटिस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल ने जारी किया फरमान, अधिकारियों के जींस टी शर्ट और चप्पल पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को ड्रेस कोड के साथ साफ सफाई का भी रखना होगा ध्यान, शेव न होना, बाल कटे होना और करीब 26 बिंदुओं की एक शीट हुई तैयार। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बैंक डिफॉल्टर श्री लक्ष्मी कॉटसन पर SBI का छापा, एक साथ कई ठिकानों पर अलग अलग टीमों ने रेड डाली। कानपुर के कृष्णापुर में स्थित हेड ऑफिस और मालमोरा स्थित प्लॉट्स में CBI का छापा, 6,000 करोड़ की डिफॉल्टर हैं श्री लक्ष्मी कॉटसन। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंदिर के बैनर में औरंगजेब की तस्वीर लगाने पर महंत समेत 3 पर FIR, खुद के प्रचार प्रसार के लिए बनवाया था बैनर। दिल्ली NCR में लड़कियों के फोन और सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर ब्लैकमेलिंग का मामला, गाजियाबाद साइबर सेल ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जल्द हो सकता है अनवरगंज मंधरा रेलवे क्रॉसिंग का समाधान, पीएम मोदी ने दिया रेलवे लाइन के डायवर्जन का भरोसा, सांसद सत्यदेव पचौरी ने इसकी जानकारी दी। लखनऊ में मुहर्रम के मद्देनजर निकाला गया फ्लैग मार्च, कई आला अधिकारियों को रहे मौजूद, सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा।
पीजीटी परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खुलासा। यूपी के प्रयागराज से सरगना समेत 7 आरोपी अरेस्ट हुए। यूपी एसटीएफ ने लैपटॉप और ब्लूटूथ डिवाइस किया बरामद। यूपी के जौनपुर में टीजीटी परीक्षा में नकल करने वाली महिला को हिरासत में लिया गया। नकल के लिए इस्तेमाल डिवाइस भी बरामद। यूपी के भदोही में बदमाशों ने एक साथ 2 ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। करीब 20 लाख के जेवरात और 40,000 कैश लेकर फरार हुए बदमाश। यूपी के कासगंज में 1,580 किलो गांजे की बड़ी खेप बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस और एसडीओ ने कैंटर से की बरामदगी। मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर मेजर ध्यानचंद की भतीजी चंद्रकला सिंह। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव में रहती हैं ध्यानचंद की भतीजी। मध्य प्रदेश में सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। सत्र को लेकर सभी दलों के नेताओं से विधानसभा अध्यक्ष करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश के बैतूल में मंत्री इंद्र सिंह परमार के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोई चयनित शिक्षिका। 3 साल से नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं चयनित शिक्षक। 15 अगस्त तक नियुक्ति की मांग। एमपी के श्योपुर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ प्रदर्शन। नाराज लोगों ने रोकी कृषि मंत्री की गाड़ी। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर गए थे तोमर। एमपी में ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। करीब 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। एमपी के मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए खास बना सफर। घूमने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे हाथी। मध्य प्रदेश के मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में 200 चीतल नए मेहमान बनकर आए। बेहद खास बना नजारा। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी की अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का कार्यकर्ताओं से संवाद। मंडल स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद। राजस्थान के जयपुर में गाना सुनते हुए कान में ब्लूटूथ एयरफोन फटने से युवक की मौत। चौमू क्षेत्र का रहने वाला था मृतक राकेश नागर। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हुई। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मुख्यमंत्री गहलोत ने जताई संवेदना। राजस्थान के बाड़मेर में विवाहिता ने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी। पहले बच्चे को फंदे पर लटकाया फिर खुद ने लगाई फांसी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रद्द की हरियाणा पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा। कांग्रेस ने लगाया था परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप। 3 महीने में बिटकॉइन की कीमत 18 लाख रुपए गिरी। उतार चढ़ाव होने से डिजिटल करेंसी के खत्म होने का खतरा बढ़ा। 14 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है नुकसान। अमेरिका के लिए बढ़ी एयर इंडिया की नॉन स्टॉप फ्लाइट की संख्या। हफ्ते में दुगनी संख्या में उड़ेगी फ्लाइट। टिकट की कीमतों में 50% इजाफा। जून तिमाही के नतीजों में बैंक ऑफ बड़ौदा का बंपर मुनाफा। ब्याज से कमाई 15.7%। बैंक के नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आई मामूली कमी। ओला के स्कूटर में मिलेगा रिवर्स गियर। कंपनी ने स्कूटर के उल्टा चलने वाला वीडियो किया शेयर। 15 अगस्त को लॉन्च होगा ओला का स्कूटर। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी जल्द लाएगी आईपीओ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दी मंजूरी। 2,000 रुपए का हो सकता है आईपीओ साइज। पाकिस्तान में लाहौर के पास मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई। हमला करने के आरोप में 50 गिरफ्तार। 150 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज। तालिबान पर अब आसमानी कहर बरसाएगा अमेरिका। बाइडन ने B-52 और AC-130 से बमबारी का दिया आदेश। तुर्की में आग का कहर लगातार जारी। आग की वजह से कई गांव हुए तबाह। बोड्रम और साथी मरमरिस शहर में कुल 11 जगहों पर लगी हुई है आग। 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है तापमान। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। प्रधानमंत्री का मांगा इस्तीफा। कोरोना काल में लापरवाही का आरोप। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। ऑस्ट्रेलिया में लगातार बिगड़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया और क्वींसलैंड में डेल्टा वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज। बॉलीवुड अपने अंदाज में नीरज चोपड़ा के गोल्ड हासिल करने पर मना रहा है जश्न। वरुण धवन ने भी शेयर किया खास वीडियो। कियारा और सिद्धार्थ की बढ़ती नजदीकियों के चर्चे। दोनों रोमांटिक अंदाज में आए नजर। जल्द एक साथ फिल्म में भी दिखने वाली है ये जोड़ी। एक बार फिर छाया नोरा फतेही का शुद्ध देसी अवतार। फैंस ने नोरा के नए लुक की जमकर की तारीफ। नोरा पर खूब भाया है ट्रेडिशनल लुक। अंकिता लोखंडे के नए वीडियो के सोशल मीडिया पर हैं चर्चे। वीडियो में धमाकेदार अंदाज में डांस करती नजर आई अंकिता। शूटिंग के दौरान बिगड़ गई नुसरत भरूचा की तबीयत। नुसरत को अस्पताल में करना पड़ा भर्ती। डॉक्टरों ने दी आराम करने की सलाह।